दिगरस के देवरवाड़ी गांव में बीते 25 जुलाई को शेख कलीम बैटरी विक्रेता के यहां हुई घरफोड़ी की वारदात का आखिरकार दिगरस पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस वारदात के मुख्य आरोपी मोहम्मद असीम को हिरासत में लेकर पुलिस ने उससे 1,44,000 रुपए का माल जब्त कर लिया है। पेश है दिगरस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिगरस शहर और परिसर में बीते कुछ दिनों में चोरी की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही थी, जिसमें 14 अप्रैल को बैंक कर्मचारी फयाज शेख के घर चोरी की वारदात हुई थी। इसके कुछ महीने बाद 25 जुलाई को बैटरी विक्रेता शेख कलीम इनके देवरवाड़ी स्थित मकान में चोरों ने सेंधमारी कर 1,80,000 का माल उड़ाया था। इसके बाद 5 अगस्त को नए बस स्टैंड परिसर में रहने वाले पत्रकार संदीप रत्न पारखी के घर में भी चोरों ने सेंध लगाकर 1,00,000 रुपए के माल पर हाथ साफ किया था। इन तमाम घरफोड़ी की घटनाओं से दिगरसवासी सख्ते में पड़ गए थे। लोगों में चोरों को लेकर खौफ का माहौल देखा जा रहा था। वहीं दिगरस पुलिस भी पूरी शिद्दत से इन घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों की तलाश में जुट चुकी थी। ऐसे में हाल ही में दिगरस पुलिस ने देवरवाड़ी में रहने वाले बैटरी विक्रेता शेख कलीम के घर में सेंधमारी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि सुभाष नगर निवासी मोहम्मद असीम घर में सेंधमारी का आरोपी बताया जा रहा है। दिगरस पुलिस के थानेदार सेवानंद वानखेड़े ने इस बारे में NBCN न्यूज चैनल को जानकारी दी है। दिगरस हद्दीतील देवरवाडा गावामध्ये दिनांक 26/7/2024 रोजी शेख कलीम शेख हुसेन यांच्या घराचं घर फोडून चोरी झालेली होती। त्या संबंधाने पोलीस स्टेशनला अपराध नंबर 458/24 कलम 305A 331/4 अन्वये BNS अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि तपासावर होता। असा टोटल सोन्याचा नेकलेस, कानातील झुमके आणि 2 सोन्याच्या अंगठ्या, घरगुती वापराचे भांडे व नगदी 35,000 असा 1,79,000 मुद्देमाल चोरीला गेला होता। अज्ञात आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल होता। सदरचा तपास पोलीस हेड कॉन्स्टेबल नाटकर यांचे सहकारी गाडे DB पथकातील केशव चव्हाण आणि सुजित जाधव अशी टीम तेव्हापासून तपासाला लागलेली होती आणि दिनांक 2/9 सदरच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपीला आम्ही ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून इंटरोगेशन करून विद्यमान न्यायालयासमोर हजर केलं आणि विद्यमान न्यायालयाने दिनांक 6/9 आम्हाला PCR दिला। PCR मध्ये आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली आणि गुन्ह्यातील चोरलेला मुद्देमाल सुद्धा दिला। चोरलेला मुद्देमाल एक सोन्याचा नेकलेस, हार 15 ग्रॅम 80,000 किंमत, 2 कानातील झुमके 5 ग्रॅमचे 22,000, 2 सोन्याच्या अंगठ्या 8 ग्रॅम किंमत 35,000 आणि घरगुती वापराचे वेगवेगळे भांडे आहेत ते भांडे 7,000, नगदी जे होते नगदी त्यांनी खर्च केल्याचं सांगतो आणि असा 1,44,000 मुद्देमाल आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेला आहे। पोलीस अधीक्षक श्री कुमार चिंता सर, अप्पर पोलीस अधीक्षक जगताप सर, दारव्हा उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी सहायक पोलीस अधीक्षक रजनीकांत सर यांच्या मार्गदर्शनात दिगरस पोलीस स्टेशनचे तपास अधिकारी नाटकर तसेच गाडेजी तसेच किशोर चव्हाण व सुजित जाधव अशा टीमनी केलेली आहे। दिगरस पुलिस ने घटना के आरोपी मोहम्मद असीम से करीब 1,44,000 का माल बरामद किया है, जिसमें सोने के जेवरात भी शामिल है। संबंधित आरोपी का आगामी 6 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड दिगरस पुलिस को मिल चुका है। देखना होगा कि इस घटना में क्या सिर्फ यही एक आरोपी शामिल था या फिर इसके साथ अन्य लोग भी इस वारदात में लिप्त थे। इस बात की तफ्तीश जारी है। दिगरस पुलिस द्वारा उजागर हुई घरफोड़ी के इस मामले के आरोपी के पकड़े जाने से अन्य सेंधमारी की घटनाओं के शिकार हुए परिवारों को भी दिगरस पुलिस से उम्मीद है कि उनके घर में हुई चोरी की वारदात का सुराग दिगरस पुलिस जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगी और उन्हें भी न्याय दिलाएगी। NBCN न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट।